वो दिन हो गए पुराने जब मोहब्बत जान की बाजी होती थी। ये सारे एक एक शेर तो कहे ना। यार बहुत हैवी। And for anybody who's on the downside of advantage and relying purely on courage, it's possible. बनाने आया था, बच्चे शच्चे आ गए छत पे। अब जितनी छत ये मेरी है उतनी इनकी भी है। सो प्लान कुछ यही है कि ये अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। तो आज का सीन ये था कि यार हम जा रहे थे गांव में, दोस्त ने की है दावत, लेकिन दोस्त ने दावत की नहीं है, बेसिकली दावत हमने उससे ज़बरदस्ती ली है कि यार हमने आना ही आना है वीकेंड। तो बस सोचा वहाँ पर जाना तो है ही हमने, और गांव शाँव का माहौल वगैरह थोड़ा करेंगे एक्सपीरियंस हम, तो आपको भी करवाते हैं साथ। चलें आप भी हमारे साथ चलते हैं फिर। यार यहाँ पे मैं वो वाला अंकल बना हुआ हूँ जब हम बचपन में मैच खेलते थे और ड्यूरिंग मैच अंकल आ जाते थे, कहते थे बेटा एक बॉल तो खिलाओ, और उनको एक बॉल खिलाते खिलाते हमारा दिमाग ख़राब हो जाता था। इस टाइम जाहिर सी बात है बच्चे भी वैसे फील कर रहे होंगे। हमने कहा इग्नोर करो भाईजान, बॉल खेलें और निकलें। सीन कुछ ये भी है साथ के साथ, मैं आपको ये भी साथ थोड़ा सा बताता चलूं कि इस गाड़ी के साथ हमारी कुछ आखिरी यादें हैं, ये जाने लगी है और इंशाल्लाह हाँ। लेकिन मसला ये है कि ये मेरे यार की थी पहली गाड़ी, और जो पहली गाड़ी के साथ कुछ यादें और मेमोरीज होती है ना, उसका एक अपना स्वैग होता है। तो बड़ा यार इसके साथ हमने टूर किए हैं, अभी एक आखिरी टूर है शायद हमारा इसके साथ ना। जिंदगी बखैर अल्लाह पाक इसको मजीद तरक्की दे तो फिर हम और गाड़ी भी लेंगे। फिलहाल अभी हम मुबशिर का इंतज़ार कर रहे हैं, आता है तो फिर हम निकलते हैं। फाइनली पहुंच गए असी, लेकिन मज़ेदारी वाली गल है कि राणा साहब जेड़े ना वो है ही नहीं जिन्ना को आए सी, इन्हों का हिसाब किताब वेख लो। राणा साहब हजे आ रहे हैं। फाइनली जब राणा साहब पहुंचे हमारे पास, वैसे तो हम इसके पास मेहमान गए थे और हम इसका इस्तकबाल कर रहे थे, जनाब आए अपने ही घर समझे। अब सीन कुछ ये था कि यार टिका के भूख लगी हुई थी हम सारों को, हमने कहा कि भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते और सीधा चलते हैं रोटी पानी की तरफ। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, इतना कमाल का खाना चस करा दिया आज। और मेरा नहीं, ये यहाँ पे जितने लड़के बैठ के खाना खा रहे हैं ना, सबका ये यार है, फुल टाइम और ओवर ईटिंग हुई पड़ी है सारों की, कमाल करा दिया आज राणा ने, कमाल। राणा साहब की तरफ आए हैं, अब वापसी जा रहे हैं डेरे पे। खाना राणे ने दिया है ना, इस सब हमें खिलाया है। ओ हमने मुल्तान में भी नहीं खाया, खाना बहुत कमाल था, जबरदस्त कसर पड़ी। चांद के साथ साथ सितारे भी बड़े नजर आ रहे हैं हमें, अब वो कैमरे में आ नहीं सकते। अच्छा गांव का ये बड़ा फायदा है कि आप जब भी गांव में आते हो ना, शहर से दूर पोल्यूटेड एरिया से बिल्कुल दूर, तो आपको रात को आसमान पे बड़े सितारे नजर आएंगे, और एक इसका एक अपना ही व्यू है।
वो ज़बरदस्त। वैसे नॉर्मली होता नहीं है हमारी महफिल में, लेकिन जब हम खाना खा के वापस पहुँचे हैं तो अचानक से एक मुशायरे की महफिल लग गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए भी। क्या सुकून था तेरी बातों में, अच्छा क्या सुकून था तेरी बातों में, अब तेरे जिक्र पे भी हम बात बदल लेते हैं। इन्हों काम बोते लगते हैं। यार इस जस्ट अ पोएट्री ब्रो। वो दिन हो गए पुराने जब मोहब्बत जान की बाजी होती थी। अब कोई बिछड़ने से मर नहीं जाता। क्या बात है यार। राणा साहब का शेर सुनने से पहले एक मुझे भी याद आया, अर्ज किया है, चूम लेती हैं लटक कर कभी चेहरा कभी लब, चूम लेती हैं लटक कर कभी चेहरा कभी लब, डर गया। तुमने जुल्फों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। ये मुगल पे नहीं चाहिए थी। मैं तो समझा दो चार ही होंगे। जबरदस्त। समझा दो चार ही होंगे, तेरे तो शहर का हर शख्स ही मुनाफिक। या ये सस्ता मुशायरा हमने बड़ी देर तक चलाया, और अल्लाह अल्लाह करके जब हम सोने लगे ही थे तो हमारे मौलवी साहब में जिन आ गए, और इसके जिन ने ना हमें सोने दिया ना ये खुश होया, और तकरीबन पूरी रात हम जागे हैं। रात पूरी जागने के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि राणा साहब ने कहा कि भजन अगर तो आपने भैंसों का ताज़ा दूध पीना है तो आपको अर्ली इन दी मॉर्निंग ही उठना पड़ेगा, वो भी सूरज तुलू होने से पहले। नाश्ता वगैरह करके फ़ौरन से वापस निकलने का प्लान था हमारा, क्योंकि शुजाबाद ज़्यादा दूर नहीं है मुल्तान से, तो हमने सोचा सोते हैं घर ही जाके, टाइम से निकलते हैं और टाइम से पहुंचते हैं। ठीक है राणे, इजाज़त दे हमें, रात बड़ा मज़ा आया यार, शुगल सही लगा है। ओहो वॉलेट भी यार भूल गया मैं तो, वैसे नींद फुल टाइम आई हुई है। अब हम राणे को दे रहे हैं इजाज़त, तैयारी शारी कर ली है, राणे को दे रहे हैं इजाज़त। रात जागने के साइड इफ़ेक्ट में से एक ये भी है कि बंदे को पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब सीन यही है कि निकलते हैं वापसी घर को, राणे साहब से इजाज़त वगैरह ले ली है और बस निकलें। जहाँ से निकले थे वहीं वापस आ गए हैं। ओके अल्लाह हाफिज़ भाई, और साथ के साथ बाबा भाई अल्लाह हाफिज़ आपको भी हो रही है, हमारी गाड़ी को भी इसके साथ बड़ी यादें हैं हमारी। इंशाल्लाह जल्दी फिर किसी नई गाड़ी में फिर मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह बड़ी यादें इस गाड़ी में, अल्लाह ने गवाह। Courage is possible.